आई टी प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आइए आपको इस जैसे हम महाराजगंज जिले में मैरिज हॉल में काम कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे पाइप डाला गया है, कैसे डाला जाता है, ये आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि देखिए हमारा बाउंड्री है, हर 10 फीट पे एक लाइट लगेगा। हम जंक्शन लगा दिए हैं झीली काट करके, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे बाउंड्री में 10-10 फीट पे लाइट लगेगा, वहाँ पे हम लाइट लगा दिए हैं जंक्शन। वैसे ही सेम ऑन है, दिखाइए वहाँ पर। देखिए यहाँ पे हम इस दीवार में दो पाइप डाले हैं, ये वाला ऊपर वाला पाइप हमारा कैमरे का है, नीचे वाला पाइप हमारा लाइट का है। वैसे ही सीधे हमारा चला गया वहाँ पे, लाइए यहाँ पे। देखिए हर 10 फीट में हमारा जंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा लाइट लगेगा, हर जगह हमारा लाइट लगेगा। देखिए हमारा यहाँ पर लाइट लगेगा, ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है बाउंड्री का लाइट ऑन करने के लिए, यहाँ पे लाइट बोर्ड लग गया है। अब हम चलेंगे यहाँ पे मेरे हॉल में। देखिए यहाँ पे हमारा मेन लाइन है, छत में पाइप नहीं डाला हुआ है, टोटल फॉल सीलिंग होगा। तो हम क्या किए हैं कि ये हमारा मेन लाइन है, उसके बाद से हमारा बोर्ड लग गया है, यहाँ पे हमारा सीधे ऊपर पाइप निकल गया है। वहाँ पर दिखाइए हर जगह पाइप देखिए निकल गया है, ऊपर फॉल सीलिंग का पाइप और तार सारा सारा इसी में आएगा। यहाँ पर भी देखिए 12 मंडल बोर्ड लगा दिए हैं और वैसे ही हमारा हो गया है, जंक्शन भी लगा दिए हैं ताकि अगर सोलर पर लगाना होगा तो काम दे। हमारा स्टेज है, स्टेज पे हमारा पूरा फॉल सीलिंग हुआ, इसमें भी तो जगह जगह हमारा बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा करके हम क्या करेंगे कि पूरा ऊपर से फॉल सीलिंग के अंदर से ही पूरा अपना तार ले लेंगे। वैसे ही देखिए पूरा बहुत बड़ा हमारा हॉल है, इसी हॉल में वायरिंग किया हुआ है, जगह जगह एसी का पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ अपने नज़दीक से दिखाइए। देखिए हमारा 12 मॉडल बोर्ड है, 12 मॉडल बोर्ड में हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए तीन पाइप हमारा गया है, सीधे मेन बोर्ड में जाएगा, ये मेन बोर्ड से हमारा मेन सर्किट यहीं पे चला आएगा, उसके बाद से यहीं से हमारा जंक्शन लग जाएगा। हम सोलेम पर लगाना होगा तो हमारा सोलेम पर लग जाएगा। यहाँ पे हम एसी का पॉइंट दे दिया है, देखिए अभी फॉल सीलिंग से हमारा सारा पाइप चला आएगा। वैसे ही यहीं से हमारे यहाँ पर भी दिए हैं, हमारा 12 मॉडल बोर्ड है, स्विच इधर इस पॉट का इधर इधर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा सब एसी का पॉइंट है, देखिए तीन मॉडल बोर्ड हम लगा दिए हैं, एसी का पॉइंट दिया हुआ है सब पे, वो स्प्लिट एसी लगेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा 12 मॉडल बोर्ड है, इस पोजीशन का स्टेज का जितना भी लाइट होगा यहीं से कंट्रोल होगा। ये हमारा पूरा मेन बोर्ड का सर्किट यहाँ पे आया हुआ है, देखिए यहीं पे हमारा जितना भी इस नीचे वाले फ्लोर का मेन लाइन है टोटल पाइप यहीं पे आया हुआ है, देख लीजिए यहीं पे, यहीं से हमारा मेन लाइन भी जाएगा नीचे, तो नीचे जो पोल से आएगा यहीं से आएगा, और यहीं पे हमारा देखिए अलग से कैमरे का पाइप, कभी भी पाइप डालना चाहिए तो कैमरे का पाइप अलग से डालना चाहिए, देखिए हमारा कैमरा का पाइप है यहीं पे, और इसी में हमारा सोलर का भी आएगा, दो तार हमारा सोलर का देखिए ऊपर गया है पाइप हमारा, इसी में हम सोलर का पाइप भी लाएंगे। यहाँ से हमारा पाइप सेपरेट गया है यहीं से, देखिए यहीं हम सीढ़ी के नीचे हमारा बैटरी लगेगा और इन्वर्टर लगेगा, पाइप सारा चला गया है। अब हलेंगे यहाँ पे हम स्टेप स्टेप में सीढ़ी पे हम जगह जगह एक एक स्टेप छोड़ करके हम लाइट लगाए हैं, देखिए पूरे सीढ़ी पर, देखिए जगह जगह स्टेप पे लाइट है। यहाँ पे हमारा बीच में लाइट है, यहाँ पे पूरे सीढ़ी को रोशनी देने के लिए बीच में लाइट है, और यहाँ पे जगह जगह देखिए स्टेप में लाइट है। देखिए स्टेप हर एक स्टेप में लाइट हमारा है, एक स्टेप छोड़ करके यहाँ पे दिखाइए हमारा पूरे बिल्डिंग का जो ऊपर वाले फ्लोर है, जो हमारा ऊपर का फ्लोर है पूरा मेन सर्किट जितना भी है रूम का सारा इस छत में हमारा पाइप डाला हुआ है, ऊपर का जितना भी पाइप है सारा यहीं पर आया हुआ है, देख लीजिए ऊपर वाले फ्लोर का अलग अलग रूम से अलग अलग सर्किट आया हुआ है यहाँ पे, और यहीं से हमारा कैमरा का पाइप है जो नीचे से आ रहा है ये इसी बोर्ड में आएगा और यहीं से हमारा चला जाएगा ऊपर, ऊपर हमारा जहाँ पे कैमरे का पाइप पॉइंट देना होगा वहाँ से हम तार खींच करके लेके चले जाएंगे। हाल है इस हाल में हमारा, देखिए एक यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ इसमें भी हम फॉल सीलिंग होगा तो हम फॉल सीलिंग का भी पाइप निकाल दिया है। वैसे ही हमारा यहाँ पे झीरी कट गया है, यहाँ पर भी एक 8 मॉडल बोर्ड लगा करके, यहाँ पे 8 मॉडल बोर्ड लगा करके इसमें हम फॉल सीलिंग का पाइप पूरा ऊपर निकाल देंगे और यहाँ पे जंक्शन लगा के वहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। देखिए
यहाँ पर पूरे हमारा हाल है। तो हाल में देखिए जगह जगह स्विच बोर्ड तीन जगह दिया हुआ है, पूरे हाल का जितना भी स्विच बोर्ड होगा यही इसी से हमारा कंट्रोल होगा, इसी बोर्ड से। अब हम क्या करेंगे, रूम में कैसे वायरिंग किया गया है ये आपको हम दिखाएंगे। जैसा कि देखिए हमको इस रूम में एंट्री करना है, यहाँ पे एक बेल स्विच दे दिए हम, मान लीजिए होटल है तो कि दरवाजा नहीं बड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम एक घंटी स्विच दे दिया है। यहाँ से एंट्री जब करना होगा तो एक बेल दबा देंगे और अंदर जो रहेगा वो आ जाएगा, खोल देगा दरवाजा कोई काम होगा तो। अब क्या किया है यहाँ पे देखिए मेन स्विच बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग है, तो इसमें भी हम क्या किया है कि जगह जगह पॉइंट दे दिए हैं। इसमें हमारा बेड लगेगा, यहाँ पे हमारा बेड लगेगा, एक बोर्ड बाथरूम का हमारा यहीं से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड हो गया है, देखिए हमारा गीजर का पॉइंट है, गीजर का पॉइंट प्लम्बर दिया है, यहाँ पे हमारा गीजर का पॉइंट है, वैसे ही सेम।